अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन एंड बेनवेनुती इन इटालियन ढाबा। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़े का मिर्च पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। ये खाने में बहुत मज़ेदार और चटपटा होता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया ये एक पाव बेसन। सबसे पहले हम बेसन को घोल लेंगे ताकि ये 10-15 मिनट पड़ा रहे और अच्छी तरह सेट। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बेसन को घोलते जाएंगे, एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना गुटलियाँ बन जाएंगी। बेसन का हमने अच्छा स्मूथ सा बैटर बना लिया, जो ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा थिक है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें और डालेंगे, जिसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, और हम इसमें डालेंगे 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ है, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चाय का चम्मच अजवाइन डालेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी तीखी वाली हरी मिर्च बारीक कटी, और इसको मिक्स कर देंगे। सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम बैटर को एक साइड कर देंगे और फिर हम अपनी मिर्चें तैयार करेंगे। तकरीबन 1 पाव मिर्चें हैं, सारी हम इसी तरह बना लेंगे। सारी मिर्चों में हमने कट लगा के अंदर से बीज निकाल लिए हैं, ये जो बीज है इनको हम फेंक देंगे और मिर्चें एक साइड रखेंगे। इसके लिए अब हम जो है इसकी स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 4 बड़े आलू लिए थे जिनको कि उबाल लिया, इनको हम मोटा मोटा जो है वो मैश कर लेंगे। 1 बर्तन में 1 खाने का चम्मच तेल लेंगे और इसको गर्म करेंगे। तेल गरम हो गया, हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी, ये तीखी वाली मिर्च है, और इसको सौते करेंगे थोड़ी देर। हल्की आंच पर इसे हम 20 से 30 सेकंड सेक लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे धनिया कुटा हुआ, कुटी लाल मिर्च डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, अमचूर डाल देंगे हम 1 चाय का चम्मच, इसको मिक्स करेंगे। आंच को हल्का ही रखेंगे ताकि ये सारे मसाले जले ना। 1 चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा डालेंगे और 1 ही चाय का चम्मच हम इसमें लेमन पाउडर डालेंगे। ये मैंने कैसे बनाया है इसका जो रेसिपी है वो हमारे चैनल पर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ये डालने से बहुत ही मज़े की और चटपटी स्टफिंग बनेगी। अब हम इसमें डाल देंगे नमक 1 चाय का चम्मच और इसके साथ ही ये जो आलू हैं जिनको हमने मैश किया वह ये डाल देंगे। एक से 2 मिनट हम आलुओं को भून लेंगे। मैंने आलुओं को टेस्ट करके देखा है, मुझे इसमें मिर्चें कम लगी हैं, तो मैं इसमें 1/2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सेकंड पकाने के बाद चूल्हे को हम बंद कर देंगे और हम इसमें अपनी स्टफिंग में डालेंगे हरा धनिया।
इसको मिक्स करेंगे और स्टफिंग के ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है और मिर्चें हमारी तैयार हैं। अब हम मिर्चों में वो जो स्टफिंग है उसको भरेंगे। सबसे पहले मिर्च लेंगे और इसके अंदर ज़रा सा चाट मसाला छिड़केंगे और अब हम इसमें आलू की जो स्टफिंग बनाई है वो डालेंगे। मिर्चों को हमने स्टफ कर लिया, अब हम अपने बैटर को चेक करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, थोड़ा ठीक लग रहा है। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा गरम तेल भी डालेंगे, जिससे तेल डालने की वजह से पकौड़े जो है हमारे क्रिस्पी बनेंगे। गरम तेल था जो मैंने इसमें डाला और इसको मिक्स कर देंगे। एक पाव बेसन हो तो आप उसमें एक खाने का चम्मच गरम ऑयल डाल लें तो वो काफी है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम अपने पकौड़ों को फ्राई करेंगे। बैटर को मैंने एक लंबे जार में डाल लिया, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको किसी लंबे ग्लास में भी डाल सकते हैं, इससे आपको मिर्चें जो है वो कोटिंग करने में आसानी होगी। अब हम एक मिर्च लेंगे, इसको इसमें डिप करेंगे। फालतू जो है वो उतर जाने देंगे और फिर हम इसको गरम तेल में डाल देंगे। पकौड़ों के साथ सर्व करने के लिए हम एक झटपट चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 4 क्यूब जो है वो पुदीने की चटनी के लिए और 3 क्यूब इमली के लिए हैं। और इन दोनों को मैंने कैसे बनाया इसका लिंक भी हमारे चैनल पर और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आई बटन पर भी मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने ये बना के रखे हों तो आपके लिए चटनी बनाना बहुत आसान है। हम इसमें डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच नमक और इसको मिक्स कर लेंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे और हमारी झटपट चटनी जो है बनकर तैयार है। हमारी हौसला अफजाई के लिए अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर किया करें। कमेंट में हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। जो मैंने लेमन पाउडर यूज़ किया है वो बहुत ही एक अच्छी टिप है, आप उसको बनाकर रखें, आपकी बहुत सारी डिशेज़ में वो आपको काम आएगा और उसको बनाना बहुत आसान है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना आसान है। जिन दिनों में लीमू सस्ते होते हैं उन दिनों में आप लेकर आसानी से उसको बना सकते हैं। हमने दरमियानी आंच पर मिर्चों को फ्राई किया है, तकरीबन 5 मिनट लगे होंगे या 7 मिनट लगे होंगे, अब हम इनको निकाल लेंगे और जो बाकी रह गई है उनको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये लें जी, हमारा मज़ेदार सा चटपटा मिर्च पकौड़ा बनकर तैयार है, जिसको कि हमने पुदीने और इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। अब आप इसको अपने घर के किचन में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ मज़े ले लेकर इंजॉय करें।